यानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए का करार किया है? ए 343 करोड़ रुपए, बी 353 करोड़ रुपए, सी 363 करोड़ रुपए या डी 373 करोड़ रुपए। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया में देव धमाका फैशन का भव्य उद्घाटन। नवगछिया स्टेशन के सामने देव धमाका फैशन रेडीमेड स्टोर का भव्य उद्घाटन संचालक के पिता विनोद प्रसाद गुप्ता एवं माता राधा देवी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के बाद संचालक देव आनंद एवं रूबी देवी ने बताया कि उनके दुकान में दिल्ली मुंबई कोलकाता के अलग अलग डिजाइनर काफी सस्ते दर पर रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। वहीं उद्घाटन के मौके पर चंद्रगुप्त साह, पंकज कुमार भारती, प्रवीण भगत, विजय आनंद इंडिया वाले, रणधीर यादव, प्रवेश यादव, जेम्स फाइटर, गौतम नईम अख्तर, अरुण कसेरा, डीपी सिंह, डांस डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार, विराट आनंद, सम्राट आनंद, दक्ष आनंद, नवीन कुमार, सुमित उर्फ झक्सू, पंकज भगत, राम सेवक भगत, राइटर प्रेमानंद विनोद, डॉक्टर दीपक कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। प्रणाम करते हैं पूरे नवगछिया शहरवासियों का। आज बड़े खुशी का बात है कि हमारे देव धमाका फैशन का शुभारंभ हुआ है और बहुत खुशी हुआ और शहर के सभी गणमान्य लोग आए। और हमारा प्रयास है कि सस्ते दामों में लोगों को कपड़ा उपलब्ध कराएं, लेडीज जेंट्स और बचपन से लेकर 55 तक का यहाँ सभी कपड़ा उपलब्ध है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई दिल्ली कलकत्ता सभी फैक्ट्रियों के रेट में हम यहाँ कपड़ा उपलब्ध करा रहे हैं। और स्पेशल महिलाओं के लिए लेडीज का जो भी गाउन हो गया, टॉप हो गया, प्लाजो, सारे कपड़े उपलब्ध हैं और सस्ते मूल्य में फैक्ट्रियों के रेट में हम यहाँ कपड़े दे रहे हैं। स्पेशल होली में, होली के लिए हम नया नया कलेक्शन लाए हैं जो पसंद कर चुन चुन कर दिल्ली से, कलकत्ते से, मुंबई से, हर जगह से मैं कलेक्शन किया हूं और जो कि बहुत सुंदर सब ड्रेस है। और शहरवासी आएंगे तो उनको बहुत खुशी होगा। ये दुकान है कैसे? ये हमारा दुकान स्टेशन के ठीक सामने देव धमाका फैशन। पहले हमारी दुकान इंग्लिश मीडियम बाल भारती स्कूल के सामने विराट लुक चेंज के नाम से फेमस था। अब वो दुकान का नाम भी चेंज हो गया, विराट लुक चेंज, और विराट लुक चेंज से अब देव धमाका फैशन हो गया और स्थान भी परिवर्तन, स्टेशन रोड में हम लोग आ गए हैं। हमारे यहाँ लेडीज़ के सभी प्रकार के आइटम उपलब्ध हैं, कुर्ती, गाउन, प्लाजो, लेगीज, जैगीज, सभी प्रकार के लेडीज सामग्री उपलब्ध हैं। और स्पेशल होली के लिए हम लाए हैं देव धमाका फैशन में, स्टेशन रोड नवगछिया, जस्ट स्टेशन के सामने हैं। आप लोग एक बार सेवा का मौका दीजिए और हम लेडीज़ हैं, आपको अधिक से अधिक सेवा का हम देंगे। नमस्कार, मैं लोकगायक मिथुन मोहम्मद से, बड़े भैया देवानंद जी का देव धमाका खुला है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आज बहुत लोगों ने यहाँ आया और आशीर्वाद दिया, मेरी भाभी हैं। और जिस तरह हमारे बगल में राजधानी फैशन को आप लोगों ने प्यार दुलार दिया है, उसी तरह आप लोग को यहाँ पर भी भरपूर प्यार दुलार देना है। यूनिक आइटम होली को लेकर खास रखकर बहुत अच्छा आइटम आप लोगों को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपे मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन।
जीरो माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। भागलपुर आर्मी जवान और महिला दरोगा के बीच हुए मारपीट मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। भागलपुर के कहलगांव रेलवे स्टेशन के समीप एक आर्मी जवान और महिला एएसआई के बीच हुई मारपीट मामले में कहलगांव पुलिस ने आर्मी जवान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार जवान पीरपैंती थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद निसार है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आर्मी के जीडी पद पर कार्यरत है। वहीं आर्मी जवान के रिश्तेदार एक महिला अख्तर बेगम और मोहम्मद शहबाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आर्मी जवान और उसके दोनों रिश्तेदार पर महिला एएसआई नीता कुमारी से मारपीट का मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद बताया जा रहा है कि आर्मी जवान बिना हेलमेट के मोबाइल पर बात करते जा रहा था। इसी दौरान महिला एएसआई ने आर्मी जवान को तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए आर्मी जवान ने भी महिला दरोगा को थप्पड़ मार दी। जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही कहलगांव थाना से पहुंचे बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने आर्मी जवान के साथ बुरी तरह मारपीट किया और उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। बाद में कहलगांव थाना पुलिस के द्वारा पुलिस की पिटाई के बीच बचाव करने वाले आर्मी जवान के 2 रिश्तेदार को भी पकड़कर जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह पुलिस के जवान आर्मी जवान की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। नवगछिया रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं। आम यात्री के प्रति बेपरवाह रहते हैं काउंटर पर बैठे लोग, तो पिछले दरवाजे से धड़ल्ले से होता है गोरख धंधा। नवगछिया रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आरक्षण काउंटर पर बैठने वाले लोग आम यात्रियों के प्रति बेपरवाह तो है ही, वही पिछले दरवाजे से खुलेआम नजर आने के साथ कार्य किया जा रहा है। कई यात्रियों ने आरक्षण काउंटर की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए असंतोष व्यक्त किया है। नवगछिया निवासी मौसम कांडेवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे यात्रा का टिकट कराने के लिए जब काउंटर पर गए तो उन्होंने फॉर्म की मांग की। बार बार काउंटर पर बैठे कर्मी ने अनसुना कर दिया और 20 मिनट तक उन्हें फॉर्म नहीं दिया गया। इसके बाद एक परिचित रेल कर्मी से उन्होंने फॉर्म लेने को कहा तो काउंटर पर बैठे कर्मी ने उन्हें आसानी से फॉर्म दे दिया। काउंटर पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जिस ट्रेन से यात्रा करने वाले थे उसमें आरएसी टिकट मिल रहा है, लेकिन समय पर रिजर्वेशन फॉर्म नहीं दिए जाने के कारण उन्होंने करीब आधे घंटे के बाद फॉर्म जमा किया तो 20 वेटिंग आया। जब उन्होंने कर्मी से इस बात का एहसास कराने का प्रयास किया तो उक्त कर्मी ने उनके साथ बदतमीजी भी की। मौसम कांडेवाल ने कहा कि एक तरफ उन्हें फोन से वंचित किया जा रहा था, फॉर्म नहीं दिया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से कई लोग आ जा रहे थे और अपना टिकट बनवा रहे थे। वहीं क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने कहा कि इन दिनों रेलवे आरक्षण काउंटर पर कई दलाल रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो पैसा लेकर तत्काल में टिकट बनवा देते हैं, लेकिन जब कोई आम आदमी वहां पर टिकट बनवाने जाता है तो बोला जाता है कि तत्काल में सीट की उपलब्धता नहीं है। पूरे मामले से अवगत होने के बाद नवगछिया के स्टेशन अधीक्षक के एन तिवारी ने कहा कि वे मामले की जानकारी लेंगे, हर हालत काउंटर पर आम आदमी के अनुरूप व्यवस्था बनाया जाएगा। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया कैंप लगाकर आवास योजना के 250 लाभुकों को कार्य आदेश का किया गया वितरण। नवगछिया नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को कैंप लगाकर आवास योजना के लाभुकों के बीच आवास निर्माण कार्य का आदेश वितरण किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में आयोजित इस कैंप में कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन एवं कनीय अभियंता अमृत कुमार सहित वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में आवास योजना के लाभुकों के बीच कार्य आदेश पत्र का वितरण किया गया। वही मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने बताया कि कैंप में कुल 250 लाभुकों के बीच कार्य आदेश के पत्र का वितरण किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पांचवी फेज में आवेदन देने वाले आवास योजना के लाभुकों का
आवेदन विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलने के लिए प्रतीक्षा सूची में रुका हुआ है। आवास योजना के लाभुकों ने आवास निर्माण का कार्य आदेश प्राप्त कर खुशी व्यक्त की है। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद विवेकानंद, नागेश्वर सिंह, माहिल सिंह, दीपक कुमार, मोहम्मद फिरोज, विनोद भगत, नगर पंचायत के प्रधान लिपिक आलोक गुप्ता, संतोष कुमार, संजय कुमार, राशि कुमारी, प्रीतम कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। बिहपुर, सत्ता परिवर्तन के लिए महिलाओं को संभालनी होगी कमान, बोली कोमल सृष्टि। बिहपुर प्रखंड के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए महिलाओं को बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। उन्होंने बढ़ते महिला अपराध को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 24 फरवरी को दाता मंगन शाह रामतुला आले के मजार से किसान सत्याग्रह आंदोलन पद यात्रा की जाएगी, जिसमें महिलाओं की भी अहम भूमिका होगी। मौके पर प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष सुनंदा रक्षित, नगर अध्यक्ष पूजा शाह, जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष पूनम मिश्रा, जिला महासचिव उषा रानी, रोहित आनंद शुक्ला, राधा कृष्ण सिंह सहित कई अन्य शामिल हुए। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। गोपालपुर, पंचायत चुनाव की चर्चा गांव की गलियों में शुरू, संभावित प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं के बीच अपना अपना दावा पेश। हालांकि बिहार सरकार द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, परंतु पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत अजमाने वाले गांव की गलियों में घूम घूम कर जनता की टोह लेने में लग गए हैं। जहाँ वर्तमान मुखिया अपनी उपलब्धियों को प्रचारित कर पुनः चुनावी दंगल में अपनी जीत पक्की मान कर उतरने की तैयारी में है, वहीं चुनावी दंगल में अपनी किस्मत अजमाने वाले नए प्रत्याशियों द्वारा पंचायतों का समन्वय विकास वर्तमान प्रतिनिधियों द्वारा नहीं करने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में लगे हैं। बताते चलें कि गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर, तिंटेगा, करारी, गोपालपुर, डिमहा, अभिया, पचगछिया, मकनपुर, गोसाई गाँव, बालू टोला, कमलाकुंड, डुमरिया, चप्परगढ़ व सुखिया बाजार पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के दोनों होना है। वीडियो सह निर्वाचित पदाधिकारी प्रियंका ने बताया कि पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। नवगछिया पुलिस लाइन में दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर सोमवार को नवगछिया बाजार समिति स्थित पुलिस लाइन में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन एसपी सुशांत कुमार सरोज ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को एसपी ने शील्ड व मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर नौगछिया सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह, नौगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार सहित पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया, विधानसभा में उठा आशुतोष हत्याकांड का मामला, घटना के 4 माह बाद भी फरार है बिहपुर के तत्कालीन थानेदार। बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार सैलन ने सोमवार को इंजीनियर आशुतोष हत्याकांड में मुख्य आरोपी बिहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी करने की मांग विधानसभा सत्र के शून्यकाल में की है। विधायक ने सत्र में सभापति का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को मड़वा निवासी इंजीनियर आशुतोष कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। पिटाई के बाद 25 अक्टूबर को आशुतोष की मौत हो गई थी। विधायक ने अपने प्रश्न के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक आशुतोष हत्याकांड में मुख्य आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत मंडल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने गिरफ्तारी करने की मांग की। देर शाम विधायक ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए कहा कि आशुतोष के परिजन को न्याय दिलाने के लिए वो तत्पर है। पूर्व में ही आरोपी थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी की जा चुकी है। ज्यादा दिन तक आरोपी कानून से भाग नहीं पाएगा। इंजीनियर सले ने कहा कि बिहार में भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाली सरकार में कानून का राज है। वहीं नौगछिया एसपी
सुशांत कुमार सरोज ने फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। नवगछिया एसटीएफ एवं नवगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो हथियार तस्कर गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस एवं एसटीएफ की टीम के द्वारा की गई छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दो हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से एक हथियार तस्कर मोहम्मद हैदर अली है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई में अब तक 4 पिस्टल बरामद होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा नवगछिया पुलिस टीम गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर उसके संभावित ठिकाने पर भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों गिरफ्तार हुए हथियार तस्कर को रंगरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिली है कि एसटीएफ की टीम ने एक हथियार तस्कर को भागलपुर स्टेशन के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जहां उन्होंने पूछताछ में एसटीएफ को बताया कि वह हथियार की डिलीवरी कटियार में देने जा रहे थे। एसटीएफ की टीम वहां से तस्कर के साथ हो गए। एसटीएफ की टीम ने इसकी सूचना नवगछिया एसपी को दिया। नवगछिया एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ दिलीप कुमार भी एसटीएफ की टीम में शामिल हुए। इस दौरान गिरफ्तार तस्कर के द्वारा जिसे डिलीवरी देना था उसे रंगरा थाना क्षेत्र में बुलाया गया, जहां नवगछिया पुलिस एवं एसटीएफ को संयुक्त कार्रवाई में दूसरे हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने हथियार तस्कर की एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। वहीं नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने दो अपराधियों के गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस अभी इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की
विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।